मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बरु फाटक के आदिवासी कन्या छात्रावास में आदिवासी छात्राएं नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। पौष्टिक भोजन के नाम पर उन्हें सड़ी गली सब्जियां खिलाई जा रही है। गुरुवार को इसी हॉस्टल की एक छात्रा स्थानीय बाजार में सेव परमल खरीदते दिखी, जिस पर हमारे संवाददाता ने उसे चर्चा की तो उसने हॉस्टल की हकीकत बयां की। छात्रा ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि हॉस्टल में नर्क जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। वहाँ के हॉस्टल वार्डन साधना भार्गव और सहायक वार्डन भावना वर्मा ने कुछ छात्राओं को ऑफिस की छात्राओं के नाम से हेड बना रखा है, जो कि दूसरी अन्य बच्चियों को डांटने डराने और समस्त कार्य करवाने का काम करती है। डरा धमका कर दुर्व्यवहार किया जाता है और पौष्टिक भोजन के नाम पर सड़ी गली सब्जियां खिलाई जाती है। इतना ही नहीं, वार्डन साधना भार्गव द्वारा छात्राओं से हॉस्टल के वह कार्य भी करवाए जाते हैं जो रसोईया और प्यून को करने होते हैं। छात्राओं से झाड़ू लगाने से लेकर चूल्हा जलाने और बेड शीट को धोने तक का काम कराया जाता है। किसी से कुछ न कहने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि किसी से यदि कुछ कहा तो और शिकायत की तो हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। इस डर से बच्चियां इतनी सहमी हुई है कि चाहकर भी कुछ बोलने से घबराती है। ठीकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या सुबह नाश्ते में क्या मिलता है? चाय और कॉफी। और फल मिलते हैं? नहीं। दूध मिलता है? नहीं। दूध भी नहीं मिलता है। कम्बल कितने हैं तुम्हारे पलंग पे? एक। कितनी लड़कियां सोती हैं? तीन। आता है। और फल कितने आते हैं आपके यहाँ? फल नहीं आते। फल आते नहीं। दूध कितना आता है? 4 लीटर। 4 लीटर आता है डेली? ठीक। 50 बच्चियों को पूर जाता है 4 लीटर दूध? हाँ। अच्छा, दूध से चाय बनती है कि दूध देते हैं बच्चों? चाय बनती है। दूध नहीं देते? नहीं। तुम एक पलंग पे कितनी बच्चियां सोते हो? तीन। और कम्बल कितने? एक कम्बल में 3 बच्चियां सोती हो? तो आप 3 जने ओढ़ने के लिए कंबल? एक कंबल। एक कंबल में 3 जने सोते हो आप? साधना भार्गव। किस पद पे पदस्थ हैं आप? वार्डन। वार्डन। मैम, अभी यहाँ बच्चों को आपने जो सामान वितरण किया है, शैम्पू, साबुन और तेल वगैरह, ये बच्चों का कहना है कि ये महीने भर नहीं पूरता है। नहीं पूरता है मतलब बच्चों को कम दिया जाता है, ऐसा बच्चों ने बोला है। कम नहीं दिया जाता, जैसे कुछ कमी भी रहती है तो फिर बाद में भी दे देते हैं। बच्चे बोलते हैं बाद में नहीं दिया जाता हमको। कहाँ बोला सर ऐसा? ठीक है मैम, यहाँ पर जो व्यवस्था है मेनू की, यहाँ बच्चों को दूध और फल सुबह रोज डेली मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, बच्चों का कहना है ये। दूध तो उनको पूछा पर बोले मैडम अभी ठंड है तो हमको चाय चाहिए, चाय बना के देते हैं उनको। मैम, यहाँ पर 50 बच्चियाँ हैं लगभग और 18 बेड है। एक बेड पे 3 बच्चियाँ सोती है और इस कड़कती ठंड में 3 बच्चियों को एक कंबल दिया जाता है। एक कहाँ है सर? बच्चियाँ कह रही एक ही कंबल देते हैं हमको। दो दो कंबल हैं? नहीं, बच्चियाँ बोल रही एक कंबल। दो दो है सर हमारे, हमको पता है दो दो उड़ती है लड़कियाँ। मैम, बच्चों का कहना है कि जो नाश्ता है वो मेनू अनुसार नहीं मिलता। नाश्ता मिलता जरूर है लेकिन मेनू के अनुसार ही दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।